मेरा नाम निधि शर्मा है और आउं अर्की हिमाचल प्रदेश होते हैं और मेरा खाना बनाने का बहुत शौक है और जी कि तुझे देख सको है कि आजकल जो मास्टर शेफ़ इंडिया लग रहा उन्हें सोनी लिवा दे तो देते आऊँ मतलब हिमाचली जो आ कल्चर है हिमाचली आशारा जो फूड है देते हैं रिप्रेजेंट लग रही करना वो धाम थी ही नहीं उसमें अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन देखेंगे तो मैंने कहा था कि मैं धाम की कुछ अपनी फेवरेट चीज़ें इसमें डाल के लाई हूँ वर्ल्ड क्लास पैंट्री है मास्टर शेफ किचन की उस वर्ल्ड क्लास पैंट्री के आधे से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स मैंने लाइफ में कभी देखे नहीं है कितनी मर्जी परेशानी होती है आप शेफ पूजा को देख लो शी ऑलवेज शू आगे गया था शिमले बसना कसौली बसना चंबे जाना जरूर है नमस्ते मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट और ये है हमारा एपिसोड नंबर टेन यस एपिसोड 10 पे हम पहुंच गए हैं और एपिसोड 10 है एक बहुत ही ख़ास पर्सनैलिटी के साथ निधि शर्मा इनका नाम है मास्टर शेफ इंडिया सीजन 8 की ये फाइनलिस्ट हैं और हमारे अपने सोलन की हैं यस yes. निधि ने हिमाचली कुजीन को जिस तरीके से नेशनल टीवी सोनी टीवी के ऊपर मास्टर शेफ़ जैसे प्लेटफॉर्म में जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया उससे अलग लेवल पे वो हमारे हिमाचली कुजीन को लेके गई हैं निधि का जैसा कि आप लोगों को पता है कल एलिमिनेशन हुआ है मास्टर शेफ इंडिया से और वहाँ से आने के बाद निधि ने सबसे पहले एक्सक्लूसिवली हमारे साथ ये पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन करी है एंड वी आर वेरी लकी आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आएगी आप इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय कीजिए और हमारे YouTube चैनल द हिमाचली पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें निधि वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट थैंक यू हम बहुत लकी हैं आप मास्टर शेफ से निकले हो एंड सीधे द हिमाचली पॉडकास्ट में आए हो ऑल दो वी वर होपिंग कि आप मास्टर शेफ जीत के ही आओगे सो so, सबसे पहले तो बिग थैंक्स टू यू कि आपने हिमाचली क्वजीन को इतने बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म पे सोनी लिव जैसे सोनी जैसे चैनल पे आपने मास्टर सेफ जैसे प्लेटफॉर्म पे आप लेके गए और इंटरनेशनल फूड के साथ आपने इंटरनेशनल कुजीन के साथ जिस तरीके से हिमाचली कुजीन को ब्लेंड किया है उसके लिए आपकी तारीफ़ तो सब लोग कर ही रहे हैं उसके लिए हम भी आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपने हिमाचली कुजीन को इतना फेम दिलाया थैंक यू कैसा रहा आपका ये सफ़र हिमाचली जो क्जीन है हमारी वो बहुत कम लोगों में जानी जाती है बाहर तो इनफैक्ट लोगों को पता ही नहीं है कि हिमाचली फ़ूड की जो जितनी सारी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं और जो खाना बनाने की टेक्निक्स हमारे यहाँ यूज़ की जाती हैं वो शायद मैंने कभी किसी और मैंने बहुत सारे क्वजीन की स्टडी की है नेट पे लेकिन मैंने कभी इतना सिंप्लिसटी के साथ और इतने कम्प्लेक्स फ्लेवर्स देना ये सिर्फ हिमाचली क्वीन में ही मैंने अभी तक देखा है मे बी लेटर ऑन मैं जब दुनिया एक्सप्लोर करूँगी तो खाने की समझ मुझे और बढ़ती जाएगी लेकिन अभी तक जितना मेरा फूड के साथ एक्सपीरियंस है आ, मैंने टाइम के साथ ये नोटिस किया कि हमारा जो हिमाचली फ़ूड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसमें सीखने की इतनी सारी चीज़ें हैं अगर आप मतलब जैसा कि आपको पता है मेरी मास्टेफ की जर्नी पर भी मैंने ऑडिशन जो आ, का पड़ाव जो पार किया था वो एक हिमाचल ऑन अ प्लेट के नाम से किया था मैं उसे धाम नहीं कहूँगी क्योंकि धाम जो है वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस है जिसमें हमें नीचे टाट पे बिठाया जाता है पतलों में खिलाया जाता है और मेहमान और भगवान एक समान कह के हमें ट्रीट किया जाता है वहाँ जो मैं लेकर गई वो भावना सेम ही थी बिल्कुल भगवान जैसी जो मेरे शेफ्स थे मैंने उनको हमेशा अन्नपूर्णा की तरह समझा है और मैं उसी भावना से उसको लेकर गई थी शायद वो भावना उन तक पहुँची भी जो मैं सिलेक्ट हुई और इतना आगे तक आ भी पाई रही बात जीतने हारने की आई थिंक कि जो कंपटीशन है उसमें जीतना हारना चला रहता है जो बेसिकली मायने रखता है वो मायने ये रखता है कि आपने कितनी कोशिश की और आप कितना फेयरली कहाँ तक पहुँचें तो मैंने कोई दिन ऐसा नहीं रहा माशेफ में जहाँ पर एफ़र्ट्स नहीं डाले मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डाले लाइफ ने मुझे जितना फूड के साथ एक्सपीरियंस दिया है आज तक और जितनी फूड की नॉलेज मैं खुद अपने परिस्थितियों के साथ कलेक्ट कर पाई हूँ आई थिंक उस सारी चीज़ों ने मुझे इस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प किया आपको मास्टर शेफ़ में एज ए कंटेस्टेंट जाना है आपको जाना चाहिए कौन सी वो चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया हम सभी ड्रीम्स देखते हैं बहुत सारे और एक ऐसा ही ड्रीम मैंने भी करीब करीब पंद्रह सोलह साल पहले जब एक बच्चा अपने करियर की शुरुआत करना चाहता है तो मैं भी उस वक़्त अपना जो करियर था वो होटल मैनेजमेंट में प्रस्त्यू करना चाहती थी लेकिन जैसा होता है आपको पता है कि छोटी सी जगह से आप बिलोंग करते हो गांव से आप आते हो पेरेंट्स आपको लेकर इनसिक्योर होते हैं और उनको लगता है कि हमारा बच्चा एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले गवर्नमेंट जॉब में लग जाए उसके बाद तुम अपने सारे शौक पूरा करना लेकिन जब आप एक नौकरी में लग जाते हो तो मैंने अपनी नौकरी को पूरे मतलब तन मन धन से निभाया इन पंद्रह सालों के लिए शायद मैंने उससे तन मन धन से निभाया इसीलिए भगवान ने मुझे पंद्रह साल बाद एक ऐसा मौका दिया कि तुम वो जो सपना देख रही थी आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ उसके करीब जाने का एंड आई थिंक कि मैंने बहुत अच्छे से उस मौके को इनकैश भी किया और वो सब कुछ जो मैं लाइफ में इतना पहले नहीं कर पाई आज मैंने किया और ये भी प्रूव किया कि पैशन जो है उसे सिर्फ ज़िंदा रखने की ज़रूरत होती है उसके अलावा वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है right. आपको ज़रूरत नहीं पड़ती राइट right. मेरे साथ मुझे एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ अपने साथ लगती है कि अक्सर लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं और मेरा सपना मेरे पीछे पीछे भाग कर यहाँ तक आ गया अच्छा क्योंकि पंद्रह साल पहले मैं जो एक सपना देखती थी राइट वो आप अपने जॉब के साथ में कितना पूरा करते हो आपकी फैमिली है मेरी छोटी बच्ची है ढाई साल की तो हम उस हिसाब से ही उस सपने को परस्यू कर सकते हैं और मैंने भी जितना सा मुझे लाइफ ने मौका दिया उतना ही मैं उसे कर पाई बट वो सपने ने मुझे नहीं छोड़ा क्योंकि मैंने उसका कभी साथ नहीं छोड़ा अगर मुझे कोई मौका भी नहीं मिला तब भी मैं पंद्रह साल से सिंसियरली अपने शौक से दिल से भरपूर प्यार से वो खाना अपने परिवार के लिए बनाती हूँ ठीक है लोगों को लगता है कि घर पे बहुत सारे गेस्ट आ गए अरे काम पड़ गया है ना और इतने सारे गेस्ट आ गए कैसे करेंगे कैसे मैनेज होगा एकदम हड़बड़ी का माहौल हो जाता है और मेरे घर पे जब मैं सुनती हूँ कि मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो आई जस्ट गेट कि वाह मेरे घर पर गेस्ट आ रहे हैं अभी मैं ऐसे बनाऊँगी मम्मी मैं ये भी बना लेती हूँ मैं ये भी बना लेती हूँ उनके लिए भी बना लेती हूँ तो आई थिंक वो वाली जो मेरी जर्नी है वहाँ से लेके और यहाँ माश्यफ से निकलने तक की जो जर्नी है उसमें मैंने पता नहीं कितना कुछ सीखा इतना कुछ सीखा जो मैं इतने सालों में नहीं ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये वाला कि कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप उल्टा खुश हो जाते हैं हाँ, यूजली मैं, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि घर पे मेहमान आ रहे हैं और मैंने हमेशा अपनी दादी नानी से एक बात सीखी है अतिथि देवो भव तो एक नेचुरली एक हमारा बहुत अच्छा कोट है और बहुत फेमस भी है लेकिन मैंने उन लोगों के आदर भाव से उन लोगों के साथ रहकर देखा था बड़े बुजुर्गों के साथ मैंने बहुत समय बिताया है अपनी लाइफ में मेरे छोटे भाई बहन को इतना मौका नहीं मिला hmm. लेकिन मैं अक्सर अपनी गर्मी सर्दी कोई भी छुट्टियाँ होती थी तो हमेशा या तो दादी के घर पर बैठी हूँ या नानी के घर पर बैठी हूँ तो आई थिंक उस वक्त के वो जो पूर्वज और जो बुज़ुर्ग थे उनके साथ बिताया गया वो जो समय है ना उसी ने आज मुझे ये आशीर्वाद दिया है क्योंकि मैंने अपनी दादी को देखा है कि वो कैसे अगर बाहर कोई मतलब रोटी मांगने वाला भी आया है ना तो वो गरम फुलका बना के उसको खिलाएंगी खुद नहीं खाया है बेशक लेकिन उसको वो फुल्का जरूर जाएगा तो वो वाली जो चीज़ है एक फूड में सोल डालने की आई थिंक ये मैंने अपनी दादी और नानी से सीखा है निधि शर्मा को लोग अभी मास्टर शेफ की वजह से बहुत ज़्यादा जान रहे हैं <coughs> राइट <coughs> मास्टर शेफ के बारे में डिटेल में बात करेंगे उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि निधि शर्मा एक्चुअल में कौन है आप अर्की साइड से हो राइट तो अगर थोड़ा बहुत दो चार लाइनें अगर आप अर्की वाली डायलेक्ट उसमें भी बोल पाएं तो पता नहीं कितनी अच्छी बोल पाऊँगी लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी क्योंकि उससे तो मैं बचपन से जुड़ी हूँ वो मेरी रूट्स हैं तो मेरा नाम निधि शर्मा है और आऊँ अर्की हिमाचल प्रदेश होते हैं और मेरा खाना बनाने का बहुत शौक है और जी कि तुसे देख सको है कि आजकल जो मास्टर शेफ इंडिया लग रहा उन्हें सोनी लिवा दे तो देते आउ मतलब हिमाचली जो सारा कल्चर है हिमाचली सारा जो फूड है देते रिप्रेजेंट लग रही करने और साथ ही साथ ही महाेड़ा लगवा कि जो मतलब हिमाचलिया ने महा सभी ने इतना प्यार दिता मतलब मांगे कोई शब्द ही नहीं है मांगे कोई शब्द नहीं है कि अं बताई सकूँ कि केड़ा वहाँ प्यार मिलया और कितना मतलब जो है आदर मिले तूसरा सभी पर तो तेरा ही आदर और तेरा ही धन्यवाद आउ भी तूसरा सभी करना चाहूँगी निधि के घर पे कौन कौन है नेचुरली uh, हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़की की दो फैमिलीज हो जाते हैं एक शादी से पहले की एक शादी के बाद की राइट right. उन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो हमारी लाइफ को डिसाइड करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं सबसे पहले तो आई फील वेरी लकी कि मुझे दोनों फैमिलीज़ का पूरा पूरा सपोर्ट है मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ हैं ससुर जी हैं और मेरा एक छोटा देवर है और अगर मैं माइके साइड की बात करूँ तो मम्मी हैं पापा हैं मेरा भाई है बहन है हस्बैंड हैं और मेरी छोटी सी डॉटर है जिसका कि नाम है शिवनूर आपकी लव मैरिज अरेंज मैरिज है <laughs> लव का अरेंज है क्योंकि लव आ, मतलब लव क्या बोल सकते हैं अगर फीलिंग्स है भी हैं तो वो अरेंज कराने में बहुत जुगाड़ करना पड़ता है लाइफ में तो वैसा वाला जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी जल्दी से मम्मी पापा मान गए तो अब आप उसको अरेंज बोल लो या फिर उसको लव बोल लो दोनों ही है मतलब लव लव एंड अरेंज पहले फिर अरेंज पहले हुआ फिर हो, अरेंज हो गया, अरेंज हो गया। हाँ, बहुत ही बढ़िया सो आपके हस्बैंड पंकज का कितना रोल है आपकी इस पूरी जर्नी में कैसे देखती हैं आप उस रोल को मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं मास्टर शेफ में अगर जो सफर मैंने ये तय किया ये बिल्कुल भी इजी नहीं था एक रोल रोलर कोस्टर राइड रही है मुझे पूरे माश में और वहाँ अगर उस रोलर कोस्टर राइड में किसी ने गिरने से बचाया है तो वो पंकज हैं और हमेशा से ही यहाँ तक जाने की मोटिवेशन नहीं ये कहती हूँ लोग मुझे बोलते थे आपने चार साल पहले तक क्यों चैनल शुरू नहीं किए क्यों आप सोशल मीडिया पे नहीं थी क्यों आपने कंटेंट क्रिएट नहीं किया और फिर मैं देखती हूँ कि नहीं पंकज के आने के बाद इतना मेरे लिए इंस्पिरेशन रही कि नहीं यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू अपना सपना जियो उसको भी देखो आई एम ऑल्सो अ पार्ट सो वो क्या होता है ना जब आप अपना सपना जी रहे होते हैं और सम्बडी सेज इमीडिएटली कि मैं भी साथ में जीऊंगा तो hmm. उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है आप समझ रहे हो कि किसी दूसरे के सपने को अपना सपना बनाकर उसे हर दिन जीना आई wow. थिंक uh, मैं मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं पंकज का रोल इसमें एक्सप्रेस करूँ बट इट्स लाइक कि एक ड्रीम जो सिर्फ मेरा था और अब वो हमारा है आप बहुत लकी हो मैं तो यही कहना चाहूँगा ये जब आप कहते हो कि हिमाचली धाम की कॉम्प्लेक्सिटीज या फिर हिमाचली क्वजीन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ कॉम्प्लेक्सिटीज़ थोड़ा सा बताओ ना व्यूअर्स को थोड़ा सिंपल करो ना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्टीज को सॉरी हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमेशा क्या मतलब होता है ना कि अब हम धाम में जाते हैं हम वहाँ बैठ खाना खाते हैं हमने कभी उनकी टेक्निक्स पे ध्यान नहीं दिया अभी हम फ्रेंच टेक्नीस इटालियन टेक्निक्स की बात करते हैं लोगों ने भर भर के किताबें लिख दी उन टेक्निक्स के ऊपर right. कभी देखो कि हमारा मदरा फटता है तो क्या फ़र्क पड़ता है और नहीं फटता है तो क्या फ़र्क पड़ता है मतलब हमारे लिए इतनी सी एक बारीकी भी इंपॉर्टेंस रखती है हमारी डिश में कि दही को कडल होना चाहिए कि नहीं कडल होना चाहिए ठीक है आप मीठी दाल बना रहे हो उसमें बेदाना क्रंची होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आप समझ रहे हो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं छोटी छोटी मतलब ऐसी ऐसी बारीकियां हैं जो हमारे मतलब शेफ्स बोलूंगी मैं जो हमारे बोटिए हैं वो तो सबसे बड़े शेफ्स हैं क्योंकि उनको इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ का इतने अच्छे से पता है कि वो मतलब मुझे तो ख़ुद पे वरदान लगता है कि अगर मैं ये सब चीज़ें बना पाती हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ प्रोफेशनली इस चीज़ में काम नहीं किया इनफैक्ट मैंने कभी देखा भी नहीं है सिर्फ बातें सुनी है कि गाँव के कोई भैया खाना बनाने आए हैं तो मैं उनसे डिस्कस कर रही हूँ कि अच्छा भैया आप इसमें क्या डालते हो कैसे करते हो बट उन चीज़ों को आकर अपने घर पे जीना दोबारा से बनाना ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ ट्राई कर रही हूँ और वो बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आ रही है इट टेक्स मी लॉट मैनी करेज और मुझे ट्रायल्स लगते हैं उस चीज़ को समझने का कि ये बना कैसे इसका वो टेस्ट कैसे आएगा जैसा मैंने उस शादी में खाया था तो ये वैसा ही बनना चाहिए बिल्कुल घर पे सो so वो इतने छोटे चीज़ें आपने काली मिर्च अगर एक मुट्ठी एक्स्ट्रा डाल दी तो वो फ्लेवर गया तो आप समझो ना कि कितना बैलेंस होगा अगर आपके एक इंग्रेडिएंट का ऊपर नीचे करने से इतना फ़र्क आपकी डिश में पड़ जाता है तो कितनी कम्प्लेक्सिटी होगी साथ ही साथ कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये कि आप हमारे यहाँ जितने भी ज़िले हैं अगर आप उन सब में एक एक करके जाएंगे ना आप थक जाएंगे उनके खाने ख़त्म नहीं होंगे जबकि हिमाचल को कैसे जाना जाता है कोई भी लोग घूमने आते हैं दे फील लाइक कि यहाँ पे या तो मैगी मिलेगी स्टॉल पे या फिर मोमोज़ मिलेंगे है ना दोनों ही हमारे नहीं हैं बेसिकली बात ये है तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आ, मतलब खाना यहाँ से तो है ही नहीं शुरुआती नहीं है कहीं हिमाचली खाने की यहाँ से आजकल हम बहुत बातें करते हैं वीगन डाइट्स करनी है और सारडो कंसेप्ट जो है कितना सारडो के पीछे दुनिया क्रेजी है और ये सारडो ऐसा है सा स्टार्टर्स और सारडो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिमाचल से ही शुरू हुई है यहाँ के जितने ब्रेड्स हैं वो सारे फर्मेंटेड हैं अब भी मॉडर्न में कंसेप्ट आने लगा है कि आप ओवरनाइट फर्मेंटेशन कर रहे हो स्टार्टर्स लगा रहे हो सार के कंसेप्ट्स आ रहे हैं हिमाचल में तो ये सदियों से होता आ रहा है तो कितना कम्प्लेक्स खाना हम लोग खुद खाते हैं बनाते हैं और वो भी इतने सिंपल तरीके से सिंपल तरीके से इसलिए कि अगर आप सिड्डू की बात करें देखने में कितना सिंपल सी चीज़ लगती है कि अरे ये तो बन है बन के अंदर कुछ है लेकिन कभी बना के देखो उसको कि वो कितना कंप्लेक्स है मैंने पाँच लोगों के हाथ के सिड्डू खाए हैं तो मुझे उन पांचों में फ़र्क़ पता है कि किस में कौन सी चीज़ कम थी किस में कहाँ टाइमिंग का फ़र्क पड़ा किस में क्या चीज़ की कमी थी किस में आटा कौन सा यूज़ हुआ है किस में स्टफिंग थोड़ी मॉइस्ट हो गई है किस में डेंस हो गई है तो मतलब एक शेफ़ की नज़र से अगर आप हिमाचली खाने को देखेंगे तो मैं बोलूँगी जितने फराश इन्ग्रीडियंट्स हैं आप हिमाचल में उससे बना के देखो आपको याद होगा बचपन में हम लोग जंगलों में जाते थे हम करुंदू खाते थे आज लोग उस करुंदू को मेडिसिनल पर्पज़ के लिए पता नहीं कैसे भाव से खरीद रहे हैं और हम लोग क्या थे पूरे जेबें भी भरी हुई हैं है ना और पूरे मुंह भी लाल हुए हुए हैं क्योंकि हम वो चीज़ें खा रहे थे मुझे अभी थोड़े दिन पहले भी पता चला कि हमारे यहाँ दाड़वा एक जगह है आ, मैं किसी शेफ़ की बात कर सकती हूँ ना राइट right, बिल्कुल okay, तो एक बहुत बड़े शेफ़ हैं शेफ़ प्रतीक साधु और वो मास्फ़ की किचन में भी फॉर्चुनेटली मेरा उनसे मिलना हुआ था okay. और वो यहाँ दाड़वा जगह में जो कि गंबर पुल के पास है कसौली रोड पे तो वहाँ पर फराश इन्ग्रीडियंट्स को लेकर ही अपना एक मेन्यू क्यूरेट कर रहे हैं wow. हाँ और आप यकीन मानेंगे कि उसमें क्या था मेन्यू में जो वो मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं उसका एक इन्ग्रीडियंट मुझे ऐसा लगा जो बचपन में ना हम मतलब ऐसी और उसके ना जो उसके ऊपर दांत होते हैं कैक्टस के ऊपर एक फ्रूट लगता है रोहानू बोलते हैं उसको ओके okay. तो उन रोानू में ना ऊपर बाल लगे होते हैं उस बाल को ना अच्छे से कपड़े पे घिसते थे कि वो हो जाए और उसके बाद उसको गलपिन तो ऐसा हम करते आए हैं और आज आप देखोगे कि उसके ऊपर इतनी बड़ी रिसर्च चल रही है बुक्स लिखी जा रही हैं टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदू प, पता नहीं कहाँ कहाँ के आर्टिकल्स में उन फोरास्ड इन्ग्रीडियंट्स की बात हो रही है अभी हम बिच्छू बुटी को कैसे सोचते हैं कि या तो ये मार खाने के लिए बनी है या ये नहीं बनी है क्योंकि पशु भी नहीं उसको खाता है लेकिन दादी नानी हमेशा से उसका साग बनाती आई आज भी आप देखोगे तो जितने भी आयुर्वेदिक सेंटर्स होते हैं तो वहाँ जाकर इन चीज़ों को मेडिसिनल पर्पज से यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर हमारे खुद की जो चीज़ें हैं ना वो खुद के लोगों को ही पता नहीं है तो वो मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर चाहिए था हिमाचल को कि हम अपने खाने को थोड़ा बाउंड्री से बाहर लेकर जाएं। राइट। right. जब लोग यहाँ कर सकते हैं तो हम खुद यहाँ के के क्यों नहीं कर सकते राइट। right. so हम हिमाचली जहाँ लोगों को लगे कि नहीं हिमाचली क्वजीन अपने आप में ही एक अलग जॉनर है right. Right. So, बात करते हैं अभी ऑडिशन <coughs> की ऑडिशन कैसे हुए थे जो ऑडिशन का कॉल था वो मास्टर की तरफ से मुझे आया था और बहुत सारे प्रीलिमिनरी आपके चैनल से जो है ऑडिशंस हुए इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ बॉम्बे में ही एक ऑडिशन हुआ उससे पहले भी आपको तीन से चार ऑडिशंस के थ्रू क्रॉस होना पड़ता है और ऑडिशन का जो प्रोसेस होता है वो प्योरली मतलब इतना फेयर होता है क्योंकि आपकी एक एक चीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाता है इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक थाली सामने रख रहे हो आपकी थाली स्वाद लगी तो आप इन हो गए अच्छा आपके टेस्ट क्या है आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो क्या इनोवेटिव थॉट्स आप उस खाने को लेकर रखते हो कहाँ से आपको इन चीज़ों को बनाने की इंस्पिरेशन मिली है अभी हर बंदा घर में बैठ के धाम भी नहीं कभी ट्राई करता है खा हाँ हम खाते हैं सब क्योंकि ये हमारा एक टेम्पल फूड है और हम फेस्टिवल फूड की तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं बट हम घर आके कितने लोग हम में से उस कंफर्ट फूड और सोल फूड को बनाते हैं बहुत कम बनाते हैं बहुत कम बनाते हैं तो वो लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो ऑडिशन्स में उसी अप्रिसिएशन के प्रोसेसिस के थ्रू कि आपका दिमाग कहाँ तक सोच सकता है आप अपने रीजनल क्वीम के साथ कितने अटैचड हैं आपको इंडियन फूड के बारे में कितना पता है मास्टर शेफ़ कभी भी बाहर के खाने के बारे में नहीं है भले ही आपको उसके साथ फ्यूजन करना पड़ता है क्योंकि कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो हमारी नहीं है वो उनकी हैं तो हम उस टेक्निक को अपने इंग्रेडिएंट्स लेकर अपना प्रोसेस लेकर उस टेक्निक के साथ उसको मिला के फ्यूज़ कर सकते हैं लेकिन इट इज़ नेवर लाइक कि मैंने इतना दो महीने वहाँ बिताए तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि वहाँ बोला जाता है कि आप बाहर का खाना बनाओ या फिर उससे अप्रिसिएशन मिलती है आ, खाने को इंडियन फूड को प्रमोट किया जाता है इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जाता है और शायद मुझे भी आगे बढ़ने में इसी चीज़ से प्रेरणा मिली कि जो इंडियन फूड की समझ मुझे रही जितना मैंने आज तक सोशल मीडिया पे फूड को स्टडी किया है आई थिंक जितनी मेरी नॉलेज और एक्सपोजर है सोलन में रहकर उतना मैंने वहाँ उस जर्नी में इम्प्लीमेंट किया सो मास्टर शेफ इज टेस्ट इनोवेशन एंड प्रेजेंटेशन दैट इज द टिप टीआईपी। राइट टिप सो हाउ डू यू बैलेंस इनोवेशन एंड ट्रेडिशन ट्रेडिशन तो क्या है आपकी जो रूट्स हैं आप कहाँ से जुड़े हो जो खाना मैं बचपन से बनाती आ रही हूँ या मैंने अपने मम्मी को दादी को सबको बनाते हुए देखा है इनोवेशन है कि आजकल मॉडर्न मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स आ गए हैं फाइन डाइनिंग का कंसेप्ट आ गया है तो आप अपने उस ट्रेडिशनल फूड वही है टेस्ट वही है फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं डालेंगे आप लेकिन उस फ्लेवर को आपने एक ऐसे टॉप नॉच पे ले गए ऐसे तरीके से एलिवेट किया तो वो जो गैप है ना आपके उस ट्रेडिशन से लेकर उस एलिवेटेड फ़ूड की तरफ दैट इज़ इनोवेशन ओनली उसमें ऐसा नहीं है कि अगर कहीं घी डाल रहा है तो आपने कुछ और डाल दिया ऐसा नहीं है बिल्कुल भी आप उसकी क्वांटिटीज को ही ऊपर नीचे करके उसकी फॉर्म्स को उसकी टेक्निक्स को उसके प्रोसेसेस को चेंज करके स्वाद को वहीं कायम रख रहे हैं लेकिन आपने जो है उसको एक नेक्स्ट लेवल की डिश बना दिया अभी आप किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में भी अगर आप उसको सर्व करते हैं तो लोग उसको इन्जॉय कर सकते हैं कहने का मतलब ये तो दैट इज़ द ओनली इनोवेशन नया कुछ नहीं कर रहे हैं बस पुराने को ही रिफॉर्म करके आप

जब पहले सिड्डू बना करते थे हिमाचल में तो वो छान के ऊपर बनते थे जो घास की छान होती है ना उसके ऊपर बनते थे वो उसका कारण ये नहीं है कि वो ट्रेडिशनली वैसे बनते थे और आज वो ट्रेडिशन ख़त्म हो गया फ़र्क ये आया कि अब सिड्डू मेकर आ गए मार्केट में तो आप सिड्डू मेकर में बना रहे हो भाप उसको उसमें भी वही लग रही थी भाप उसको सिड्डू मेकर में भी वही लग रही थी इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि खाना चूल्हे पे बना रहे हो आप नो डाउट उसका प्यार स्वाद सोल वो डिफरेंट होगी लेकिन गैस पे भी उसने वैसे ही बन जाना है तो दैट इज़ द थिंग आई वॉन्ट टू कनेक्ट कि uh, आप कोई चीज़ें बदल नहीं रहे हो आप टेक्निक्स नहीं ला रहे हो और आपका वे ऑफ थिंकिंग लाइक फ्लेवर पेयरिंग्स अभी हम सिड्डू को ट्रेडिशनली कैसे शुरू करते हैं अगर आप कुल्लू की सिड्डू की बात करेंगे तो अखरोट से सिड्डू पे बात शुरू होती है right. और अखरोट की चटनी पे सिड्डू की बात खत्म होती है अगर आप मेरी साइड बलग साइड चले जाएँ तो वहाँ सिद्धू की बात तिल से शुरू होती है और तिल ड्राई फ्रूट भांगदाना भांगजीरी इन पर खत्म हो जाती है तो Uh, हम ट्रेडिशनली कोई एक पैटर्न फॉलो करते आए इन चीज़ों के लिए बट डू यू नो कि अगर आप दिल्ली में सिड्डू खाना चाहेंगे वहाँ पे आपको मटन सिड्डू भी मिलेगा वहाँ पे आपको चिकन सिड्डू भी मिलेगा अभी कोई तो मैं एक दिन सोशल मीडिया पे रील देख रही थी कि चॉकलेट सिड्डू भी लोग बना रहे हैं आजकल हम उन रेसिपीज़ को ट्वीक करते हैं एज़ पर कस्टमर की प्रेफरेंस से जैसा कि लोग खाना चाहते हैं अभी हम कैसे बोलेंगे कि ये तो सिड्डू नहीं है बट आप यू कैन नेवर क्रिटिसाइज़ द फूड मुझे तो मतलब खुद एक फूडी होकर और एक खुद शेफ़ होकर अभी ऐसी फीलिंग आने लगी है कि आप क्रिटिसाइज़ कर ही नहीं सकते फूड को इट इज़ जस्ट अ प्रेफरेंस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस कि आपको ये पसंद है मुझे ये पसंद है दैट इज़ इट इतना ही डिस्कशन का मैटर है इन चीज़ों में हर घर की ना अपनी एक रेसिपी होती है आप उसको कुछ ना कुछ उन्हें सिक्किस करके ही बनाते हैं मेरी सासू माँ अगर सिड्डू बनाएगी उसका फ्लेवर अलग होगा जो मैं घर पे बनाऊंगी उसका फ्लेवर अलग होगा पर्सनल टच पर्सनल टच कह लो आप कुछ इंग्रेडिएंट्स का एक मेरा बैलेंस उनका बैलेंस उनकी कुकिंग स्टाइल मेरी कुकिंग स्टाइल और उनका स्वाद के लिए एक नज़रिया मेरा स्वाद के लिए नज़रिया तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिलीवर करती हैं कि आपकी प्लेट पर क्या आया तो आप कभी भी मतलब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि फूड को क्रिटिसाइज़ ना करें ये हमेशा तो मेरी आप सभी से हमेशा ये रिक्वेस्ट रहेगी कि नेवर क्रिटिसाइज फूड ये भगवान की एक देन है एंड इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एवरी वन तो कभी भी क्रिटिसाइज़ ना करें इनफैक्ट उस चीज़ को अडेप्ट करें कि दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस एंड अ पर्सनल प्रेफरेंस एक क्वेश्चन है हो सकता है आपको चीजी लगे बट ये बताइए एक बेस्ट डिश बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लगती है हमेशा से और आगे भी मेरा एक खास ख्याल रखता है जब भी मैं कोई भी डिश बनाती हूँ चाहे घर पर चाहे मास्टरफ की किचन में फ्लेवर इज़ द किंग स्वाद नहीं है ना अगर आपके खाने में तो आप कुछ मर्जी कर लो उस चीज़ में वो वहाँ लैंड नहीं करेगा जहाँ आप उसको पहुँचाना चाहते हैं तो आई थिंक एक बेस्ट डिश में जो है वो एक अच्छा फ्लेवर होना बेस्ट फ्लेवर होना आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है right. uh, मेरी दादी एक चीज़ बोलती थी जैसा अन वैसा मन ah. तो मैं उस चीज़ को बहुत सालों से कैरी करके चल रही हूँ खाना मुझे दस लोगों का बनाना है सौ लोगों का बनाना है भावना हमेशा एक अच्छी रखती हूँ और आई थिंक उस चीज़ से जो उस डिश में एक सामने आपको वाइब्रेशन आती है ना वो बहुत कुछ मैजिक कर देती है खुश रहोगे खुश होके खाना बनाओगे तो वो रिफ्लेक्ट भी करेगा उस चीज़ में ऐसा भी कुछ कहते हैं हमारे मास्टर शेफ की किचन में जो शेफ पूजा हैं वो हमेशा बोलती है कि हैप्पी कुक्स मेक हैप्पी फूड राइट तो आई थिंक शी कैप्चर्स द एसेंस देयर कि उनकी ये जो लाइन है वो हमें हमेशा मोटिवेट करती है हम जितने भी प्रेशर के अंडर हो हमें लगता है नहीं खुश रह के बनाना है क्योंकि समटाइम्स आप अंडर प्रेशर जो है एक चैलेंज है एक कॉम्पिटिशन है तो उसमें आके उस एसेंस को लूज़ कर जाते हैं लेकिन उस वक़्त उनकी वो जो बातें होती हैं ना वो मैजिक की तरह काम करती हैं कि नहीं हमें हैप्पी रहना है हैप्पी फूड बनाएंगे तो वो हैप्पी ही उसकी डिलीवरी होगी तो ये हम सब ध्यान रखते हैं और हमारे आ, इन चीज़ों के लिए ना कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप बाहर निकलोगे तब ये बातें सीखोगी इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन होम मैंने ये सारी चीज़ें पता नहीं कितने सालों पहले अपनी दादी के घर में देखी थी कि चिड़के खाना नहीं बनाना कुड़के खाना नहीं बनाना तुम रहने दो खाना बनाना मैं खुद बना लूँगी तो वो जो चीज़ें हैं अभी उनका इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि ऐसा क्यों बोलती थी कि गुस्सा आया हुआ है, है तो खाना नहीं बनाना इसमें मतलब क्या ही है खाना ही तो बनाना है खाना ही तो खाना है लेकिन उनके ये जो वर्ड्स हैं ये अभी जैसे जैसे मेरा खाने के साथ रिश्ता और गहरा होता जा रहा है इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ और पंद्रह साल से अपने पैशन को भी फॉलो कर रही हूँ तो हरदम मुझे लगता है कि ये सब हमारे अंदर ही था बस हमें रियलाइज़ होने की देर होती है कहीं ना कहीं राइट मास्टर शेफ में जज हैं शेफ़ रणवीर बरार मेरे तो फेवरेट हैं एंड जब भी मुझे कुछ भी बनाना होता है नॉन वेज स्पेशली तो वो आइटम लिखी चिकन अफ़गानी रणवीर बरार यूट्यूब पर सर्च कर लिया उन्होंने आपका नाम रखा है बैंकर बावरची एक्चुअली उन्होंने बैंकर बावर्ची को जो है ना वो वैलिडिक्शन दी है नाम वो मैंने खुद रखा था अच्छा। मेरी प्रोफाइल पे वो सदा से एक नाम था बैंकर बावर्ची क्योंकि मुझे ना कभी समझ नहीं आता था कि ना तो मैं एक शेफ़ हूँ मैंने कोई डिग्री नहीं करी है और ना ऐसा भी नहीं है कि मैं शेफ नहीं हूँ लेकिन हमारे यहाँ बोटी होते हैं ना पहले तो मैं बैंकर बोटी लिखने लगी थी लेकिन मुझे लगा कि बोटी नॉनवेज में भी एक टर्म यूज होती है बोटी सो मतलब मेरा उसके पीछे एक रेलिवेंस था तो मैंने वो ना लिख मैंने बैंकर बावर्ची लिखा लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मास्टर शेफ़ में जाने के बाद मुझे इतना प्यार मिलेगा और शेफ से मुझे इतना रिकॉग्निशन मिलेगा कि उन्होंने कहा कि दिस इज द राइट नेम फॉर यू बैंकर बावरची तो अब मेरे लिए अब मुझे अच्छा लगता है कि नहीं बैंकर बावरची लिखना इज लाइक like कि, कि किसी ने मुझे उस चीज़ को पहचान दे दी वैलिडेशन आ गई वैलिडेशन आ गई रणवीर एक बात बोलते हैं मैंने जितना भी देखा भी है अभी उनको इतना फॉलो किया फूड का कैरेक्टर पकड़ना क्या होता है ये फूड का कैरेक्टर पकड़ना आपके अकॉर्डिंग शेफ़ की अगर मैं बात करूं तो उन्हें खाने की इतनी समझ है उन्होंने इतना ट्रैवल किया है दुनिया में और आई थिंक मैं तो इतनी चीज़ें नहीं बनाई होंगी जितना उनको साल एक्सपीरियंस हो गया इस इंडस्ट्री में सो so, वो जो कैरेक्टर की बात करते हैं वो आपने देखा होगा यूजली जब भी खाना उनके सामने आता है वो पहले उसको स्मेल करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उसमें कुछ खुशबू है क्या एलिमेंट्स हैं कितनी लेयरिंग्स हैं क्या क्या चीज़ें उनको महसूस हो रही हैं वो खाने को मतलब महसूस करते हैं तो वो जो कैरेक्टर है ना वो उसको महसूस करना है अभी निवाला उनके मुंह में नहीं जाता लेकिन वो अपना फ़ीडबैक देना पहले ही शुरू कर देते हैं तो वो एक बहुत ही अलग चीज़ है जो कि आपको बहुत सालों के एक्सपीरियंस से आती है सो फॉर मी वो जो कैरेक्टर की बात करते हैं वो है कि आपका जो आपने खाना बनाया है उसमें क्या इमोशंस हैं क्या उसके पीछे आपको एक मोटिवेशन है किस चीज़ से रिलेट करके आपने वो डिश बनाई है क्योंकि एवरी डे यू हैव टू क्यूरेट सम न्यू डिश तो उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन है और क्या वो एसेंस जोड़ के उस प्लेट पे निकला है कि नहीं वो जो प्लेट पे है ना वो उसको कैरेक्टर बोलते हैं बेसिकली जो मैंने नोटिस किया है अभी तक आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग बट मेरे हिसाब से कैरेक्टर इज दैट ओनली तो जब आपने पहली बार मास्टर शेफ का किचन में आप जब एंटर किए थे वो फीलिंग कैसी थी एकदम जब दरवाजा खुलता है वो बड़ा सा पहले तो मेरा ग्रैटिट्यूड है हर एक उस व्यक्ति के लिए और यूनिवर्स के लिए कि मुझे उस किचन में एंट्री मिली सब लोगों को नहीं मिलती है और लोग तरसते हैं सालों मेहनत करते हैं इंतज़ार करते हैं कि इस किचन का दरवाज़ा उनके लिए खुले तो जब मेरे लिए वो दरवाज़ा खुला तो मैंने उसको एक ब्लेसिंग की तरह लिया और मेरे लिए हर एक वहाँ की चीज़ एम्बियंस मुझे तो ऐसे लग रहा था कि बस ये बस सपना ही सामने खड़ा है मतलब उसको मैंने किचन कभी नहीं देखा मैंने उसको हमेशा एक ड्रीम देखा क्योंकि आप अपने घर पे हमेशा से खाना बनाते आए हो और एक लड़की की जो खाना बनाने की जर्नी है वो थोड़ा सा पहले शुरू हो जाती है आप चाय बनाना शुरू कर देते हो कुछ 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 चीज़ें मम्मी स्कूल से आके बोलती है मुझे ऐसा बना दो ऐसा कर दो तो वहाँ से शुरू हो जाती है तो उतने लंबा सफ़र तय करके मास्टर शेफ की किचन में जब आप एंटर हुए और जबकि आप एक शेफ़ बनने का सपना कितने साल पहले छोड़ कर आए थे कि भूल जाते हैं लोग पाँच दिन बाद भूल जाते हैं कि क्या हुआ था मुझे क्या करना था चल छोड़ मैंने अभी ये शिफ्ट कर लिया तो मैंने तो फिफ्टीन ईयर से उस चीज़ को नहीं भूला तो मास्टर शेफ़ की किचन तो मुझे वो पंद्रह साल हर बार रिकैप करा देती है एवरी टाइम आई एंटर मास्टर शेफ किचन आई रिकैप ऑल दो फिफ्टीन ईयर्स की अच्छा मैं तो पंद्रह साल से सोचती थी कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं इस तरीके से खाने को जो है शोकेस कर सकूँ वाह एक टर्म बहुत यूज़ होती है शेफ़ कम्युनिटी में मिशलिन स्टार ये क्या होता है थोड़ा एक्सप्लेन करोगे सिंपल भाषा में ओके <coughs> okay. तो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो मिशलिन स्टार एक ऐसा स्टैंडर्ड है फूड के रेस्टोरेंट्स का जहाँ पर कि फ़ाइन डाइनिंग का जो कंसेप्ट है वो किस पोजिशन पर है फ़ाइन डाइनिंग का कंसेप्ट मतलब वो पोर्शन साइज़ वो प्रपोर्शन साइज़ उसके फ्लेवर पेयरिंग्स इनोवेशन जो टिप की बात हम यहाँ करते हैं ना टेस्ट इनोवेशन प्रेजेंटेशन और टेस्ट इनोवेशन प्रेजेंटेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस देना फ़ाइन डाइनिंग का दैट इज़ मिशलिन स्टार तो उन वो मिशलिन स्टार्स आपको आइडेंटिफाई आपके रेस्टोरेंट को इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि इन सारे स्टैंडर्ड्स और इन सारे पैरामीटर्स पे आप कितना ऊँचा उठें अगर कोई थ्री मिशलिन स्टार है फोर मिशलिन स्टार है फाइव मिशलिन स्टार है सेवन मिशलिन स्टार है तो दैट मीन्स कि यू आर रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स हाई डे बाई डे तो वो सिंपल सी चीज़ है कि एक सिंपल खाने को कितनी हद तक आप ले जा सकते हो कितनी हद तक आप एलिवेट कर सकते हो अब वही चीज़ है कि एक चीज़ पाँच रुपये की है और आप पाँच रुपये से उसको पाँच लाख तक उसकी वर्थ कैसे बना सकते हो दैट इज द जर्नी तो मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से आपके फिल्म सिटी में ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं उस तरीके से कलिनरी अगर स्पिरिट्स की बात की जाए तो मिशलिन स्टार से आप जज कर सकते हो कि कलिनरी फील्ड में कितना ऊंचाप दैट इज और उन्होंने क्या आपको क्या तारीफ़ करी आपकी बेस्ट थिंग आई टुडे कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ जो उनको प्रेजेंट किया जब आपने वो प्लेट पे और वो न, मतलब मैं पर्सनली महसूस करती हूँ कि थोड़ी सी नर्वसनेस हमेशा अच्छी रहती है बट मुझे उस दिन बहुत नर्वसनेस थी सो मुझे लग रहा था कि ऐसा रहो कि ये मुझे भारी पड़ जाए और आ, सिंस आप ब्लैक एप्रन में जब होते हो तो आपके ऊपर एक अनडिफाइंड सा प्रेशर रहता ही रहता है कि ऐसा ना हो आपको कभी घर जाना पड़े और अभी आपकी जर्नी शुरू शुरू ही हुई है अभी आपने इतना कुछ सोचा है कि मैं ये बनाऊँगी मैं वो बनाऊँगी क्योंकि आप हर वक्त यही सोच रहे हो कि वॉट नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्या बनाना है और जब इतने बड़े मतलब कलिनरी लेजेंड जो है वो मेरे सामने खड़े थे शेफ़ माको पेयर वाइट तो मेरा उस दिन एक ही मकसद था और उस दिन क्या मेरा हर दिन यही मकसद रहता है माँ शेफ की किचन में कि मैं जो भी बनाऊँ दिल से बनाऊँ क्योंकि आफ्टर ऑल बनाना तो खाना ही है ठीक है हो सकता है कि आपकी कोई टेक्निक ऊपर नीचे हो जाती है कभी वक्त आपका साथ नहीं देता कभी इंग्रेडिएंट आपका साथ नहीं देते क्योंकि चैलेंजेस है ना तो इट कैन नेवर बिन योर फेवर तो उन सारी चीज़ों को देख के मुझे बस ये लगा था कि भगवान आज मुझे ना अपनी लाइफ की बेस्ट डिश बनानी है क्योंकि मेरे सामने वो लेजेंड आए हैं जिन्हें मैं घर बैठे तो कभी भी नहीं देख सकती थी सिर्फ टी वी ही उनको देखा और आज वो मेरे सामने खड़े हैं उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है जितनी मेरी उम्र नहीं है उतने उससे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी एंड आई फेल्ट सो लकी कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जैसा भी खाना बनाऊंगी उन्हें पसंद आए दिल से बनाऊंगी तो मैंने मतलब वो होता है ना यू आर पोरिंग योर हार्ट इन टू दैट तो आई जस्ट डेड दैट और मैंने उस दिन मैजिक देखा कि नहीं आ, और दिन हम थोड़ा स्ट्रेसफुल हो काम करते हैं और आज मैंने बस ये सोचा था कि शेफ़ को पसंद आना चाहिए ये खाना और कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ में सक्सेसफुल हो गई दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट इन शेफ किचन फॉर मी जब शेफ़ माको पेयर वाइट ने मुझे कहा कि ये अभी तक उन्होंने जो भी सुबह से चीज़ें खाई है राइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट से लेके अभी तक ये बेस्ट है एंड द थिंग इज़ कि आई एम नॉट अ मोर ऑफ डिज़र्ट पर्सन आई एम अ एवरी पर्सन तो उस दिन मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट था मेरा मास्टेफ के किचन में डिज़र्ट के लिए और उस वक्त वो वैलिडेशन मिलना कि यू ट्राई मोर डेजर्ट्स और वो भी शेफ़ माको पेयर वाइट आपको ये बात बोल रहे हैं दो तीन बातें उस दिन कुछ खास हुई और मेरा जो ब्लैक एप्रन वो वाइट में तुरंत कन्वर्ट हो गया राइट right. और साथ ही शेफ रणवीर ने जिस तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन उन्हें दिया कि मैं एक बैंकर हूँ तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं बैंक छोड़ देता और मैं इसी चीज़ को परस्यू करता तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो जो सपने देखे थे वो अभी नज़दीक आ रहे हैं और उनको पूरा करने का जो टाइम है वो नज़दीक है तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि इतने बड़े शेफ़ आके आपको मेंटर कर रहे हैं नो डाउट वो बहुत कम बोलते हैं जो शेफ़ माँ पेयर वाइट हैं बट उनके जो एक्सप्रेशन हैं वही लर्निंग है आप उनको देख के मतलब मैं तो उनको देखती रही और दंग रह गई कि व्हाट अ पर्सनैलिटी और जो उनका एक और है ना और उनका और फूड ही बोलता है जैसे होता है ना मेरा और अगर बैंकिंग बोलता है तो किसी का और जो है वो फूड बोलता है तो जब मैंने उनको सामने देखा तो इट वॉज़ लाइक कि एक ड्रीम कम ट्रू हो गया और एक लेजेंड मेरे सामने खड़े हैं So क्रंचीनेस की और उसी टाइम ही सब सभी जजेस रिएक्शन जो आया था ना और वो वहीं से माहौल मेरे, मेरे वो बहुत बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ नहीं थी बट वो मेरे दिल के बहुत करीब थी हमारे यहाँ जैसे हम गचक खाते हैं ना सर्दियों में right. तो दैट वॉज अ वर्जन ऑफ गचक लेकिन जो गचक होती है वो यूजली पीनट से बनाई जाती है और मैंने उसको उस दिन मिक्स सीड्स के साथ बनाया था जो गचक थी बेसिकली तो आपने उस दिन वो गचक बनाई थी जो उसका टॉप लेयर था तभी ये दैट इज आई एम वाइम से वो इनोवेशन आप किस तरीके से उसको कहाँ डाल रहे हो अभी जो कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे वो यहाँ रेलिवेंट रेलिवेंस रखती है कि आप अपने नॉर्मल से अभी गच्चक लगता है कहीं कि ऐसे सर्व हो पाएगी या कोई उसकी तारीफ करेगा मैं तो मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा मैं तो अभी वो पिक्चर ले रहा हूँ हाँ, वो? वो आपको बोल रहा हूँ कि वो गच्चक ही थी oh, wow. लेकिन उस गच्चक आपकी थिकनेस आपने कम कर दी आपने उसको एक रिंग कटर से उसको एक बढ़िया सी शेप दी Apple. और आपने साथ में उसके साथ मतलब जो अपने एलिमेंट्स डाले वो सिर्फ पीनट्स तक कंस्ट्रक्ट ना होकर आपने उसमें पूरा मिक्स सीड्स की एक लेयरिंग दी तो हमारे यहाँ आपको पता है कि लुश्के और पटांडे बनाए जाते हैं तो दैट वॉज द वर्जन ऑफ लुश्के वो एक क्रेप्स थे जिनको आप पहाड़ी क्रेप्स बोल सकते हो वो पहाड़ी क्रेप्स का एक नेक्स्ट लेवल था तो आप खुद ही सोचो कि वो आप घर पे भी खाते हो उन सब चीज़ों को right. और साथ में जैसे हमारे घर पे एप्पल का हलवा बनता है एप्पल की चटनी बनती है तो वो जो एप्पल का हलवा था वो एप्पल के हलवे की उसके अंदर जो थी वो स्टफिंग की हुई थी और साथ में जो क्रीम थी वो थी फेनल की क्रीम हमारे सौंफ का तड़का मीठे में हर हलवे में सौंफ जाना हर बर्फ़ी में सौंफ जाना हिमाचलियों को सौंफ से तो मतलब ख़ास प्यार होता है।, है।, है तो वो सब एलिमेंट्स को मतलब इमोशंस देखो वही कनेक्ट हो गए पहाड़ी सौंफ उठा ली आपने पहाड़ी चिक्की उठा ली गचक उठा ली आपने लुश के पटांडे उठा लिए और आपने उसी के साथ एक मास्टर शेफ़ लेवल की डिश बना दी जो मतलब शेफ माँ पियर वाइट को इतनी पसंद आ गई और उनका फेवरेट डिश बन गया तो मतलब हम कभी सोचते ही नहीं ना अभी हमने मैंने भी पहले काफ़ी बार जो है वो क्रीम के साथ काम किया होगा लेकिन ये चीज़ मुझे भी दिमाग में नहीं आई कि मैं फेनल इन्फ्यूज़ करूँ तो उसका क्या फ्लेवर होगा लेकिन इट्स मैजिकल तो वहाँ से आपको आइडियाज़ आते हैं कि अच्छा अब फेनल नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगी क्योंकि कुछ क्लासिक कॉम्बिनेशन हमेशा से बने होते हैं लाइक एप्पल सिनेमन बट वाई नॉट एप्पल एंड फ़ेनल दैट इज़ माई लोकल इन्ग्रीडियंट इंस्टेड ऑफ़ कि मैं सिनेमन को अमेज़ॉन से ऑर्डर करूँ और फिर उसको अपने खाने में यूज़ करूँ आई थिंक कि मैं घर के ड्रॉर से फैनल उठाऊं और उसका इस्तेमाल करूं। तो right. so, वहीं शायद आउटलुक का डिफरेंस आता है एक एक क्वेश्चन है थोड़ा सा पर्सनल है जो हिमाचल में प्लेट था ना मैं अभी तक नहीं समझ पाया वो जो राइस रखे थे वो एक अलग ही उसमें आपने वो आई थिंक वो बॉक्स वो कैसे किया था भाई वो हम लोग तो यही सोचते रहे कि भाई ये वाले चावल कैसे दैट वाज जस्ट अ प्रेजेंटेशन एलिमेंट राइस वो राइस ही थे जो हम मेरे आपके घर पे बनते हैं स्टीम नॉर्मल बॉइल्ड राइस वही राइस थे लेकिन आपने उसको एक मोल्ड में सेट किया और सेट होने के बाद आपने उसको डिमोल्ट किया तो उसने अपना वो शेप ले लिया ओनली थिंग नो रॉकेट साइंस सिंपल एंड इजी हाँ बट वो जो देखने वाले ऐसी कहा था वो धाम नहीं थी मैं बोल रही हूँ धाम को तो हम प्लेट में दे ही नहीं सकते ah. वो एक इंसल्ट है प्लेट में धाम को लेके जाना मतलब क्योंकि धाम एक बहुत बड़ा इमोशन है स्पेशली मेरे लिए धाम इज जस्ट एन इमोशन कि आपको बुलाया है इट इज अ टेम्पल फूड और कितना कहाँ से ट्रैवल करते हुए ये आया है मतलब इतने सालों पहले जो हमारे कश्मीर के वाजवान थे उनसे ट्रैवल करते करते ये हिमाचल तक आया हमारा टेंपल फूड बना और यहाँ के बोटियों ने जो है इसको हमारे लिए बनाया है सबसे पहले चंबा में ये चीज़ शुरू हुई और चंबा से फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाते जाते इसने अलग अलग रूप लेती रही अभी अब सोलन के धाम की बात करेंगे दैट इज़ टोटली डिफरेंट कहीं पे धाम में लहसन प्याज नहीं डलता है कहीं पे डलता भी है हमीरपुर साइड आप चले जाएंगे तो वहाँ के जो भी धाम होती है उसमें लहसुन प्याज डलता है इट इज़ ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जैसा जैसा जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको जो जो रिसोर्सेज मिलेंगे अब चंबा में राजमा बहुत होते हैं तो वहाँ राजमा का मदरा बनता है अब नीचे आ जाओ वहाँ राजमा ज़्यादा नहीं है वो चने का मदरा बना देते हैं आप चने छोड़ दो मैं चने की दाल का मदरा बना देती हूँ मतलब इट इज़ बेसिकली अ टेक्निक कि आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो और उससे आप कौन सी डिश बनाना चाहते हो राइट क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े वहां में एंड उन चैलेंजेस ने आपको कैसे 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 शेप किया एज एज ए या आपकी ग्रोथ हुई शेफ हैं आप आई मस्ट से कि सबसे बड़ा चैलेंज तो ना हम खुद ही होते हैं अपने आगे क्योंकि हमारा जो आउटलुक और हमारा जो हराइजन होता है वो इतना खुला नहीं होता कि हम दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख पाए तो आई थिंक ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहा कि आप इतने मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स इतनी मास्टर क्लास वर्ल्ड क्लास पैंट्री है मास्टर शेफ़ किचन की उस वर्ल्ड क्लास पैंट्री के आधे से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तो मैंने लाइफ में कभी देखे नहीं है. है तो वो जो एक्सपोजर की कमी है आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज कि आपने वो चीज़ देखी नहीं फर्ज मैं भी सोचती हूँ कुछ साल पहले मैं भी शेफ़ बन गई होती या मैं भी बाहर निकल के मैंने देखा होता तो आज मैं इन इन्ग्रीडियंट्स के साथ फैमिलियर होती लेकिन नहीं फिर वो होता है ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन तो जब आपको चैलेंज आ रहा है आपके सर पे पड़ रही है तो फिर आप सब कुछ बना रहे हो बैठ के वहाँ पर तो मैंने उन इंग्रेडिएंट्स की जो मेरे साथ दोस्ती हुई वो थोड़ा लैक ऑफ एक्सपोजर जो मुझे रहा पहले लाइफ में उसकी वजह से मुझे वो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा बट आई थिंक कि उन चीज़ों से मैंने ये लर्न किया कि आप इनग्रीडियन में उसके बेसिक कैरेक्टर को जब एक बार समझ लेते हो जैसे ये चीज़ खट्टी है ये मीठी है ये चीज़ गाढ़ापन करने के लिए होती है लाइक like, आपने उसका बेसिक कैरेक्टर समझ लिया अभी क्या होता है अगर मैं कोई करी बना रही हूँ तो मुझे पता है कि उसमें एक नमकीन चीज़ जाएगी हल्का सा सारनेस के लिए कुछ एलिमेंट जाएगा एक उसको बॉडी देने के लिए कुछ जाएगा जब मैंने इनग्रीडियंट्स को उस नज़रिए से देखना शुरू किया कि कोई बात नहीं अगर आपके पास कॉनफ्लार नहीं है तो बेसन से भी गाढ़ापन आ जाएगा तो जिस दिन आपके पास कॉर्नफ्लार नहीं है हम बेसन यूज़ कर रहे हैं सो जब जब आप इंग्रेडिएंट्स को इस नज़र से देखना शुरू करोगे तो आई थिंक लाइफ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाती है कोई बिहाइंड द सीन स्टोरीज इंटरेस्टिंग स्टोरीज कुछ हुई हो जो ऑन एयर नहीं हुई हो hmm. ऐसा कोई किस्सा किस्से किस्सा नहीं मैं बोलूँगी मैं एक जर्नी का पार्ट बोलूँगी चैलेंजेस uh, में शायद हम लोग बड़े स्ट्रेस में होते हैं या फिर हम uh, तरीक़े तरीके से अपनी डिशेस को देखते हैं अपने अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ से क्रॉस हो रहे होते हैं वो चीज़ें हैं जो एयर के दिखती हैं लेकिन बिहाइंड द सीन सबसे अच्छी बात ये होती है कि वी लिव लाइक एज अ फैमिली एंड दैट इज़ अ वेरी बिग एलिमेंट जो किसी को भी पता नहीं होता सबको लगता होगा कि अरे ये तो कॉम्पिटिशन है तो इसमें ऐसा नहीं आज ये अच्छा है ये बुरा है आज ये अच्छा नहीं था आज इसका बुरा था तो मतलब आप सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पे जो है वो एनालाइज़ कर पाते हैं चीज़ों को लेकिन बिहाइंड दीन्स माशेफ की किचन इज़ अ फैमिली इट्स अ बिग फैमिली और हम जितने भी फेलो कंटेस्टेंट्स हैं दे आर सो तो टैलेंटेड और डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आने की वजह से वो एक दूसरे को इतनी चीज़ें डिलीवर करते हैं या वो मेरा जो सिद्धू है वो उन सब के बीच में पॉपुलर हो चुका है और जो उनकी सारी चीज़ें हैं वो मुझे सुनने को मिली मुझे जानने को मिली मैंने देखा कि वो कैसे इन चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने कभी यूज़ नहीं किए थे वही इंग्रेडिएंट्स वहाँ के स्टार हैं नॉर्थ ईस्ट का खज़ीन कुछ और है जम्मू कश्मीर का तज़ीन कुछ और है साउथ में आप चले जाएँ तो वहाँ इन्ग्रीडियंट्स का जो यूज़ेज है वो बिल्कुल अलग है तो बिहाइंड द सीन्स वो इतनी चर्चाएँ होती हैं फूड पर इतनी चर्चाएँ होती हैं कि एक टाइम पे हमें खुद ही लगने लग जाता है कि हम सबको ना सबके रीजन्स का खाना आ गया है तो वो आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी बिहाइंड जो कि हमें मतलब स्टेज पे देखने नहीं मिलती है शो पे देखने नहीं मिलती है कि हम एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और एक दूसरे का जो खाना है कहीं ना कहीं उसे भी इतने वक्त में बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं वहाँ सबसे बढ़िया ट्यूनिंग किसके साथ है? मेरी वहाँ सबसे अच्छी ट्यूनिंग प्राची अगर करके साथ थी नो डाउट वो थोड़ा सा जल्दी चले गई यस झंझ प्राची तो Uh, उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड हम दोनों सेलिब्रेट करते हैं इट्स लाइक कि मतलब सिस्टर्स फ्रॉम अदर मदर तो बहुत ही अच्छा उनके साथ मेरा बॉन्ड रहा और बाकी सारे फेलो कंटेस्टेंट्स की भी मैं बात करूंगी तो सबके साथ ही ना आपका एक आप एक बहुत डिलाइटफुल बॉन्ड शेयर करते हो रीज़न ये है कि आपके पास Uh, कहीं पे भी क्लैश की कोई नौबत ही नहीं होती अच्छा एक दूसरे का इतना सपोर्ट मिलना क्योंकि आप आप अपनी फैमिली से से दूर दूर हो हो अपने बच्चों से दूर हो, आप एक ऑल टुगेदर बिल्कुल नए माहौल में जाके पहुंच जाते हो तो हॉस्टल लाइफ में आ गए आप लोग हॉस्टल लाइफ में आ गए और हॉस्टल लाइफ में कैसे है कि अभी यहाँ सब आपको सपोर्ट करते हैं अगर आज किसी का चैलेंज फर्ज करो कि मेरा आज बहुत अच्छा दिन गया किसी का खराब गया आज मेरा खराब गया किसी और दूसरे व्यक्ति का तो सब लोग इमोशनल होकर उस एक जिसका आज अच्छा नहीं गया है उसके साथ ही सेलिब्रेट करेंगे कि हमें भी मतलब ये चीज़ की खुशी नहीं मनानी है सो so, ये कहीं ना कहीं एक शो करता है कि ह्यूमैनिटी से हम कितना अच्छे से जुड़े हैं शायद इसीलिए इतना आगे तक आने का हम सबको मौका मिला कि लाइफ में हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहे हैं तभी वो ग्रेटफुलनेस हमारे पीछे आई है उन तीनों की एक एक खास बात बताइए आप तो शेफ विकास से मैं शुरू करूँगी मतलब वो इतने हम्बल और इतने डाउन टू अर्थ हैं कि कभी कभी ना हमें ऐसे फीलिंग आती थी कि आ, मुझे पता है कि ये शायद मेरी चीज़ अच्छी नहीं है मुझे लग रहा है ऐसा कि शायद ये मेरी चीज़ अच्छी नहीं है लेकिन वो आपको उसको इतने सिंपलिसिटी और इतने हम्बलनेस से आपको वो चीज़ कन्वे करेंगे ना कि आपको लगेगा कि ओके नेक्स्ट टाइम आई टेक केयर आ, क्या होता है ना जब भी हमें डांट पड़ती है किसी टीचर से तो हम थोड़ा और हो जाते हैं कि अच्छा अब तो करना ही नहीं अगली बारी मुझे कुछ भी बट वहाँ शेफ विकास का जो और है वो इस तरीके से है कि वो इतने डाउन टू अर्थ हैं वो अपनी बात को इतने प्यार से और इतना सॉफ्टली कन्वे कर देंगे कि डांट अगर पड़ी हुई आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको डांट पड़ी है <laughs> और समझ में पूरी बात आ जाएगी कि ये बात थी और ये शेफ़ हमें समझाना चाह रहे थे और कहाँ हमारी गलती रही तो वो चीज़ मुझे शेफ विकास के बारे में बेहद पसंद है उनकी सिंपलिसिटी और जितना वो डाउन टू अर्थ हैं शेफ़ पूजा की अगर मैं बात करूं तो शी इज़ लाइक कि मास्टर शेफ की किचन में शी हर सेल्फ इज़ यूनिवर्स ऑफ हैप्पीनेस क्योंकि face. वो बहुत पॉजिटिव हैं और हमेशा मतलब मैंने आपको जैसा अभी बताया कि हैप्पी कुक्स मेक हैप्पी फूड हम उनसे इतनी बार सुनते हैं खाना बनाते हुए कि कभी कभी ना वो ऑटोमेटिक हैप्पीनेस आ गई लास्ट लास्ट तक तो ऐसा लगने लगा था कि अब हमें ना खुश रहने की आदत ही पड़ गई जो हम पहले बहुत स्ट्रेसफुल होते थे सोचते थे आज क्या करेंगे कैसे बनाएंगे ये गड़बड़ ना हो जाए वो गड़बड़ ना हो जाए लेकिन वो मतलब एक बिल्कुल स्ट्रेस बस्टर की तरह वहाँ हमारे साथ रोल प्ले करती हैं एंड शी इज़ रियली स्वीट मतलब मैं बोलूँगी कि कितनी मर्जी परेशानी होती है आप शेफ़ पूजा को देख लो शी ऑलवेज़ डू तो मतलब ये रिलैक्सेशन जो देने वाला हर चैलेंज शुरू करने से पहले वो हमें ये एक मेडिटेटिव स्टेप ज़रूर फॉलो करवाती थी क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम कितने स्ट्रेस से सब क्रॉस हो रहे हैं उनका ये चीज़ को एक्नॉलेज करना और एक्नॉलेज करने के साथ साथ हमें रिलीव करना आई थिंक कि हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट शेफ पूजा का वहाँ रहा शेफ रणवीर की अगर मैं बात करूँ तो आ, उनसे तो मैं बोल रही हूँ कि वो लर्निंग्स का भंडार हैं आप उनको कहीं से कोई चीज़ उठाकर पूछ लो तो आई थिंक वो जो मतलब एक ऑल टूगेदर इन्साइक्लोपीडिया है वो फूड का wow. उनको इतना एक्सपीरियंस है इतनी समझ है मतलब एक माइन्यूट से माइन्यूट इंग्रेडिएंट अगर आपने उसका तिल भर भी उसमें डाल रखा है ना तो उन्हें पता चल जाएगा कि इसमें ये चीज़ डली हुई है आई थिंक ऑल थ्री ऑफ देम जो है दे आर लेजेंड्स ट्रूली लेजेंड्स और उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया है इतना कुछ किया है कि हम अभी कहीं उनके आगे स्टैंड नहीं करते हैं बट उनका जो फीडबैक है वो इक्वली इतना इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए और इतना रहा वहाँ पर भी कि वो जो एक बार फीडबैक देते हैं अगर आप सेकेंड टाइम उस चीज़ को दोबारा दोहराते नहीं हैं या फिर जो वो कहने कर कहने को बोल रहे हैं वो आप करते हो तो नेचुरली यू विल सी द डिफरेंस कि उनकी जो टिप्स हैं ना तो वो हमारे लिए बिल्कुल एक मतलब रामबाण की तरह वहाँ काम आती थी वो हमारे पास जब भी पूछने भी आते थे ना कि ये कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पर है। तो ऐसा नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा ठीक हो जाएगा तो उस बात को जिसने मान लिया ना आई थिंक कि वो सॉर्टेड पर्सन है तो उनसे जो वो एक्सपीरियंस है तीनों से सीखने का और उनके जो फीडबैक्स हैं उनका इतना कलिनरी जर्नीज़ का जो एक्सपीरियंस है वहाँ से वो जो नॉलेज हम सबको इम्पार्ट कर रहे हैं और मिलियन लोगों को इम्पार्ट कर रहे हैं बेसिक बात वो है कि चलो हम तो ट्वेल्व कंटेस्टेंट्स इधर आए हैं और हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनसे वन टू वन सीखने को मिलती है लेकिन वो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ख़ुद को दिखा रहे हैं और लोगों में जो नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं आई थिंक दे आर चेंजिंग मिलियन लाइफ राइट ऑल थ्री ऑफ देम पंद्रह मिनट रह गए हैं और कितना मतलब मेस्टअप हुआ पड़ा है आप लोगों का मतलब तो किसी भी पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को बोलते हैं हमें लगता है मैं कह यार इसके पास पंद्रह मिनट बचे ये क्या क्या, क्या खलारा पड़ा हुआ है यार ये लिटरली एंड <laughs> मतलब आप लोगों से ज़्यादा एंगजाइटी तो हमें हो जाती है एक्चुअली हमें भी हम भी आपकी जैसी बिल्कुल सेम एंगजाइटी से उस वक्त क्रॉस हो रहे होते हैं बट ऑल थैंक्स टू ऑल दोस्त थ्री कि वो हमें बीच बीच में कूल cool डाउन करते रहते हैं लेकिन दैट इज़ अ वेरी ट्रू एंड रियल सनारी कि अगर आपके पास पंद्रह मिनट बचे हैं तो सच में पंद्रह ही मिनट बचे हैं आई से सम इंसीडेंट्स की uh, एक पिन के लिए चैलेंज हुआ था और वहाँ पर uh, जो सूरज हैं मेरे को कंटेस्टेंट हैं तो उन्होंने जो है सारे एलिमेंट्स अपने रेडी रखे थे बट जस्ट बिकॉज ऑफ दो टाइनी ट्वेंटी फाइव सेकेंड्स वो अपना प्लेटिंग नहीं कर पाए थे दैट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि टाइम का इंपॉर्टेंस मास्टिफ की किचन में क्या है मैंने उसके बाद वो गलती कभी नहीं दोहराई इनफैक्ट मतलब मुझे लगा कि नहीं बेशक आप एक एलिमेंट कम कर लो लेकिन आपको जो है इस टाइम के साथ खुद को बांधना और इस टाइम के साथ डिश को पूरी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो वो 25 सेकंड के मायने मैंने पूरी माँशेफ की जर्नी में ध्यान रखे कि भगवान ऐसा कभी ना हो और उस वक्त जो एंग्जाइटी ऑडियंस को शायद देख लग रही होती है वो हमारे अंदर उसके भी हंड्रेड टाइम्स बस्ट हो रहा होता है कि अभी क्या करें ऐसा लगता है वो चार चार हाथ होते तो इधर ये कर लेते इधर वो कर लेते क्योंकि आपको आफ्टर ऑल एक मास्टेफ लेवल डिश क्रिएट करनी है सो so, उसमें वो स्वेट पेन जाना आई थिंक दैट इज़ वर्थ इट जो मास्टर शेफ की घड़ी है ना वो बड़ी सी घड़ी आपका कैसा रिलेशनशिप है उस घड़ी के साथ क्योंकि नहीं? वो घड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसने आगे जाना है किसने पीछे यस यस आई थिंक कि वो जो घड़ी है ना वो एक माइलस्टोन की तरह है वो खुद में एक माइलस्टोन है वो सिर्फ टाइम ही नहीं बता रही है हमें बट एक वो माइलस्टोन भी सेट कर रही है कि हमें कहाँ तक जाएंगे हम हम में से कौन आगे जा रहा है कौन पीछे रहेगा जैसा कि आप बोल रहे हैं बट उस घड़ी के साथ इतना प्यारा रिश्ता होता है ना क्योंकि जब उसमें थर्टी मिनट्स बचे होते हैं तो लगता है अच्छा ठीक है ये अभी है टाइम अभी है टाइम क्योंकि जब तो लास्ट के पंद्रह मिनट बचते हैं ना तो लगता है घड़ी की भी क्या गलती है अभी हमें ही तेज थे, तेज करना पड़ेगा हम ही थोड़ा पीछे चल रहे हैं शुरू शुरू में लगता था कि अरे घड़ी में टाइम जल्दी जा रहा है जल्दी जा रहा है जल्दी जा रहा है लेकिन बाय द टाइम आपको लगता है कि हम ही उसके साथ एक इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं आदत पड़ जाती है ना अभी अभी होम कुक्स आपका आधा घंटा हो गया है होम कुक्स पंद्रह मिनट बचे हैं तो एक टाइम होता है कि घड़ी हमारे साथ एक सिंक हो जाती है कि हम जब उसको देख रहे हैं तो अभी हम हमको उसको देख के स्ट्रेस नहीं होता था उल्टा हमने उसके साथ चलना शुरू कर दिया था कि नहीं अगर पहली वाली चीज़ मेरे पहले दिन फोर्टी फाइव मिनट्स पर मैं हंड्रेड परसेंट डरी हुई थी तो अगले दिन मैं शायद उस हंड्रेड से सेवेंटी पे आ गई थी तो ऑल थैंक्स टू दैट बिग क्लॉक की जो हमें हर वक्त एक रिमाइंडर देती रहती थी कि जल्दी करो जल्दी करो ऐसा ना हो कि तुम कहीं पीछे छूट जाओ wow. आपका मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है जब भी आप नया कुछ डिश बनाते हो मैं कोई नई डिश बना रही हूँ मैं हमेशा उस भगवान का धन्यवाद करती हूँ और भगवान का नाम लेके शुरू करती हूँ कि आज मुझे बेस्ट डिश बनानी है ताकि जो खाने वाला उसे खाने वाला है उसे एक डिफरेंस महसूस हो आ, उसे एक पावर का उसे एक वाइब्रेशन का और एक आप जब दिल से खाना बनाते हो उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग होता है और वो उस पर आपको जो मर्जी फीडबैक मिले एटलीस्ट आप खुद पीस में होते हो तो मेरी हमेशा डिश में जो है वो मैं एक ही चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं उसे बहुत प्यार से बनाऊँ किस चीज़ ने इंस्पायर किया बैंकिंग में करियर परसू करने के लिए बिकॉज़ आपका तो इंटरेस्ट था बोटी बनना था हाँ बोटी बनना था तो बोटी बनना तो सच में ही हमेशा से ही सपना था लेकिन बैंकिंग में जाने के लिए आई थिंक मेरे फादर ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया दर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी आई एल टेल यू फॉर देट कि uh, क्या होता है ना हमेशा बचपन में हमें कंपेयर किया जाता है कि ये वो देखो वो ऐसा कर रहे हैं फलाने के बच्चे ऐसे बन गए फलाने के बच्चे ऐसे बन गए उसने ये पेपर निकाल लिया उसने वो पेपर निकाल लिया बस तुम बैठे रहना तुम यहाँ टीवी देखना या खेलना कभी पढ़ाई मत करना है ना तो कुछ एक ऐसा इंसिडेंस मतलब मेरे साथ भी हुआ जब मैंने अपना मतलब प्लस टू कर चुकी थी और पापा ने मुझे कहा कि तुम मत कुछ करना कुछ तो उन्हें गुस्सा आया था किसी बात को लेकर कि हमेशा टाइम वेस्ट करते रहते हो पढ़ते नहीं हो तुमने सोचा है तुमने आगे क्या करना है क्या बनना है लाइफ में सो बस उस दिन फिर तो कुछ मेरे दिमाग में खटक गया कि नहीं अब तो कुछ करना है ज़रूर इतनी डांट पड़ चुकी है इतनी डांट पड़ चुकी है ज़रूर कुछ करते हैं तो आ, हमारे आ, मैं किसी स्टेशनरी शॉप पे गई और स्टेशनरी शॉप पे एक ही फॉर्म लटका था ऊपर यूको बैंक तो मैंने पूछा उनसे और उसमें ना पहले कैसे फॉर्म आते थे पंद्रह साल पहले ना फॉर्म इतना बड़ा फॉर्म होता था अखबार की शेप का उसके ऊपर लिखा था ऑन प्लस टू बेसिस तो वैसा उस पर पूरा हाईलाइट करके लिखा हुआ था नीचे यूको बैंक लिखा हुआ था तो होता है ना आपका फर्स्ट कनेक्ट उस चीज़ से बन जाता है और मैंने स्टेशनरी वाले भैया को पूछा कि भैया ये फॉर्म आया है किसके लिए एप्लीकेबल है तो उन्होंने बताया कि प्लस टू वाले बच्चों के लिए एलिजिबल हैं तो मैं तो कर चुकी थी मैंने वो फॉर्म लिया और वो मैंने खुद ही फ़ॉर्म भर के अप्लाई भी कर दिया और क्योंकि तो मुझे इतनी डांट पड़ी थी तो पापा से थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहना मैंने शुरू कर दिया कि मुझे इतना डांट दिया और अब तो जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा मैं बात नहीं करूँगी आपसे और सिंसियरली ऑनेस्टली ऐसा ही हुआ कि वो जो डेढ़ दो महीने मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी की ना मैंने पापा से ज़्यादा बात की ना ज़्यादा पापा ने मुझसे बात की पर मैंने दिन रात एक किया उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए फिर भी मुझे कहीं ना कहीं क्योंकि मैं साथ में उस वक्त बी कर रही थी और बहुत पैशनेट थी मैं हमेशा से करियर चाहे मैं शेफ़ का चूज़ करती चाहे मैं कमर्स चूज़ करती कुछ भी चूज़ करती हमेशा उस चीज़ में हंड्रेड परसेंट देने की मेरी एक आदत है बचपन से तो वो जो आदत है ना वो आपको किसी भी फील्ड में हमेशा राइज करवाती है ये मैंने नोटिस किया मुझे पर ये पता नहीं था कि मैं अपने बी के सेकेंड सेमेस्टर में जब एंटर हुई तो उसका रिज़ल्ट आ गया और उसके लिए पापा का मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे करके एक पोस्टमैन ने चिट्ठी भेजी है और तुम्हारा जो यूको बैंक का टेस्ट तुमने भरा था वो क्लियर हो गया सो so, हमने वो दो महीने बाद आप, आपस में बात करना दोबारा से कंटिन्यू किया मैं तब भी इतनी खुश नहीं थी क्योंकि मुझे था कि मुझे आई एम में जाना है हमेशा से जब मैं पढ़ती थी और उस वक्त ये प्रतियोगिता दर्पण वगैरह आता था तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करती थी एच एस करने का भी शौक था बहुत सारी चीज़ें थी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एक बच्चा अपने बैकअप प्लान बी की तरह लेकर चलता है सो so, ठीक उसी तरीके से मैंने सोचा था कि मैं एक दिन आई एम जाऊँगी और मैं ये बैंक की क्लरिकल नौकरी नहीं करने वाली हूँ तो मेरा मतलब एग्ज़ाम भी निकल चुका था लेकिन फिर भी आई वॉज़ लाइक कि नहीं मैं नहीं करूँगी ये ऑल्सो जो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स थे वो सब भी मुझे, मुझे, मुझे मोटिवेट करते थे कि निधि बहुत आगे जाना है और अभी नौकरी में मत फंसो कुछ नहीं कर पाओगी तो मुझे लगता था देखो ना तो मैं शेफ़ बन पा रही हूँ ना मैं आई एम जा पा रही हूँ मुझे लग रहा है मुझे मतलब नौकरी ही करनी पड़ेगी सो so, पता नहीं वो होता है ना आपका दिल जो है वो माँ बाप में ही अटका होता है तो आप घर आते हो आपके पापा आपके लिए मिठाई लेकर आए हैं पूरे रिश्तेदारी में फ़ोन कर दिए हैं कि जी यूको बैंक में नौकरी लग गई है अब मतलब यू डोंट हैव एनी चॉइस और उनकी खुशी देख के आपको लगता है कि इसी में सब कुछ है कोई नहीं कर लेते हैं यही सो so, मैंने भी उतनी पूरी भावना से फिर हंड्रेड परसेंट यूको बैंक के साथ अपना रिश्ता बनाया और पंद्रह साल हो गए इस रिश्ते को आज की मैं पंद्रह साल से यूको बैंक में हूँ तो शर्मा जी की बेटी ने बेसिकली <laughs> खुश कर, <laughs> कर दिया हाँ तो लेकिन शर्मा जी ने भी किया फिर अब मुझे खुश कि हाँ मुझे इतना मौका दिया और मुझे बोला जाओ करो जो करना है करो अभी तुम सेटल्ड हो कोई बात नहीं कुछ भी करो तो शायद उस वक्त की वो परिस्थितियाँ ऐसी होंगी और उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हमें लेकर होंगी शायद वो वैलिड मतलब वैलिड थी कहीं ना कहीं फ़ादर का प्रोफेशन क्या है फ़ादर मेरी टीचर हैं मतलब प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं उस वक़्त वो लेक्चरर थे जब की ये बातें हैं सारी तो जब आपके पेरेंट्स सरकारी नौकरी में होते हैं तब तो वो पक्का ही सोचते हैं कि मेरा जो बच्चा तो है, तो है तो वो भी सरकारी नौकरी में ही लगे बट आई थिंक कि जो उनका डिसीजन है वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए क्योंकि ब्रेड बटर के लिए आपको एक हमेशा एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है और वो उन्होंने मुझे उस एज में दिला दिया जब बच्चे अभी डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना है डिग्रीज़ करनी है डिप्लोमाज करने हैं जब सब ये डिसाइड कर रहे थे तो मेरा करियर एक चोज़न था तो वो भले ही मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए चूज़ किया बट आई थिंक दैट वॉज द वाइजेस्ट डिसीजन आई एवर टुक इन माई लाइफ उसी की वजह से आज मैं यहाँ जा पाई हूँ पता चल रहा है कि मैं अभी नौकरी के लिए फॉर्म ही भर रही होती और मैं अभी तैयारी कर रही होती कुछ भी पॉसिबल right. हो सकता है right. ना right. Right. पर मैं माशर्फ में जा पाई मैं इतना फ्री मुझे बैंक की तरफ से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला बैंक से आपको पता है आजकल बैंक में कितना प्रेशर है और किस तरीके से आपको पर्सनलाइज सर्विसेज देनी है टारगेट्स हैं बहुत सारी चीज़ें हैं अचीव करने के लिए बट उसके साथ साथ मुझे बैंक ने इतना सपोर्ट किया कि इफ़ यू आर रिप्रेजेंटिंग हिमाचल ऑन सच अ बिग प्लेटफॉर्म सो इट्स अ यस फ्रॉम अस तो मुझे जो छुट्टी मिली वो बैंक ने मुझे छुट्टी दी तो so, मैं तो पता नहीं कितने कितने लोगों की कर्जदार हूँ जो मैं मास्टर शेफ की किचन तक पहुँची वाह बैंक की बात था, आपने शुरू कर दी तो बैंक की बात करते हैं आप कोई सिमिलैरिटी आपको लगती है जो बैंकिंग में आपको स्किल्स चाहिए होते हैं और फिर कुछ किचन में आपको जो स्किल्स चाहिए इन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी आपको लगी हाँ मतलब मैं डेफिनेटली कहूँगी कि चाहे वो कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो जब तक आप उसमें बिल्कुल तन मन धन से नहीं जुड़ते हो तब तक उसके जो रिजल्ट्स हैं वो फ्रूटफुल कभी नहीं हो सकते बी इट बैंक बीट फूड बीट एनी प्रोफेशन जब तक आप उसमें अपना सर्वस्व नहीं दोगे ना तो तब तक वो भी आपको वापस से फुली एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आई थिंक वो बैंक में जो स्किल्स मैंने लगाई कि अपना पूरा तन मन धन से अपनी सेवाएं वहाँ दी तो वैसे ही जब मैंने यहाँ पे भी उस चीज़ को सेम ही प्लेटफॉर्म को चूज़ किया और यहाँ पर भी तन मन धन से कुकिंग की सब चीज़ें अपना वो बोलते हैं ना आपकी झोंक देना है खुद को टाइप्स तो वो वाली चीज़ उधर भी एप्लीकेबल है और वो इधर भी एप्लीकेबल है और वेन यू डू द राइट एंड यू चूज़ अ राइट पाथ फॉर यू आपके इंटेंशन सही हैं तो आई थिंक कभी ना कभी आप अपनी मंजिल पर पहुँची जाते हो एक टाइम है प्रेशर

बीच में बाकी डेफिनेटली आपकी फ़ैमिली का आपके साथ कितना सपोर्ट है वो चीज़ ज़रूर आती है सो आई थिंक दैट यूनिवर्स की जो एनर्जी है और जो फैमिली का सपोर्ट है और वो सारी चीज़ें जब आप एक ठान लेते हो ना कि ये मेरा पैशन है ये मेरा प्रोफेशन है दोनों में मुझे इक्वल बैलेंस क्रिएट करना है या मुझे फेयरली इन दोनों को बराबर टाइम देना है फिर आप आधी रात को उठ के ना अपने पैशन के साथ कुछ कर लेते हो और बाकी आप पूरा दिन जो है वो अपने प्रोफेशन को भी देते हो जो एस्पायरिंग शेफ्स हैं या फिर एस्पायरिंग मास्टर शेफ़ के कंटेस्टेंट्स हैं यूं कहें उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंसेस मैं आप सबको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी वे से फूड से कनेक्टेड हैं आप शेफ़ बनना चाहते हैं या फिर इस कलिनरी जर्नी में एंटर करना चाहते हैं तो कभी भी उस चीज़ को ना छोड़ें वो बोलते हैं ना कि आप सपना देख रहे हो तो उसको जीने की रोज़ कोशिश करो भले ही आप अपने घर पे खाना बना रहे हो लेकिन उस खाना को ज़रूर बनाओ क्योंकि जिस दिन आप उसको छोड़ना शुरू कर दोगे वो ड्रीम भी आपको छोड़ना शुरू कर देगा सो so, मेरा एक यही एडवाइस रहेगा कि आप हमेशा दिल से अपने किसी भी पैशन के साथ इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कुकिंग लेकिन अगर आपका कोई भी पैशन है कोई भी ड्रीम है आप उससे जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उससे कनेक्टेड रहिए ताकि वो भी आपको वापस से आपके साथ कनेक्टेड रहे आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट मास्टर शेफ का एक्चुअली uh, मेरे दो मोमेंट्स हैं जो बहुत मेमोरेबल हैं एक तो जो शेफ़ माको पेयर वाइट जिस दिन आए उस दिन का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती अभी भी कई बार मुझे सपने में वो एपिसोड आ जाता है अपना और सेकेंड टाइम जब मैं सेकेंड फाइनलिस्ट बनी तो मेरे लिए वो एक बिल्कुल वो होता है ना ऑल टुगेदर आप एक नई हाइट्स पे पहुंच जाते हो आपको लगता है कि देट मीन्स आई कैन डू सम वो आपको हर एक पड़ाव पे वैलिडिशन मिलना कि नहीं यू डिज़र्व टू बी द बेस्ट और आप डिज़र्व करते हैं यहाँ तक आना आप डिज़र्व करते हैं आगे तक जाना बाकी माशियफ की किचन में हमेशा से एक ही बात बोली जाती है कि यू आर एज़ गुड एज योर लास्ट डिश तो अगर आपने किसी भी दिन कोई भी उन्नीस इक्स कर दिया ना तो फिर आप चाहे जो मर्जी बन जाओ आपका उस दिन जाना भी तय है और अगर आपने बात को संभाल लिया तो आपका आगे जाना भी तय है तो आई थिंक कि ये जो चैलेंजेस की कम्प्लेक्सिटीज़ हैं और जो इनको पड़ाव पार करने की बात है तो डेली एक लर्निंग के साथ साथ में मेरी ये दो मेमोरेबल मोमेंट्स बहुत अच्छे मेरे रहे और फाइनलिस्ट बनने पे मुझे सिर्फ ये लगा कि नहीं मैं यहाँ तक आई हूँ तो मेरे जितने भी एफर्ट्स हैं क्योंकि यूजुअली ना मैं हमेशा ब्लैक एप्रन में रही कोई ब्लैक एप्रन चैलेंज मैंने छोड़ा नहीं है अभी तक सो so, वो हर हफ्ते एक खतरे की घंटी रहना कि आज कहीं मैं तो नहीं घर जाऊंगी और उस दिन फिर से वही आप एक पॉजिटिविटी के साथ आ रहे हो कि नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी और मुझे तो भी करना है मुझे और एफर्ट्स डालने हैं इतने एफर्ट्स डालने हैं कि जब तक आप और आगे ना बढ़ते रहो आपका जो एलिमिनेशन हुआ अभी उस टाइम माइंड में क्या चल रहा था ऑनेस्टली एलिमिनेशन हमेशा मतलब बुरा नहीं होता है एलिमिनेशन को आप एक पॉजिटिव नोट से भी देख सकते हैं मैंने अपने एलिमिनेशन को बहुत पॉजिटिव नोट से देखा क्योंकि जाने को मैं पहले हफ्ते भी जा सकती थी और मैं इतनी दूर तक आई मैंने इतना स्ट्रगल किया इट वॉज़ टोटली अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी अपने बाकी सारे होम कुक के साथ इतना उनका रीजनल फूड एक्सप्लोर किया नई टेक्निक्स जानी और कैसे आप अपना हॉराइजन बढ़ा करके इंग्रेडिएंट्स को एक नए नज़रिए से देखते हैं तो कितना कुछ सीख लिया इतना मैंने पंद्रह साल में घर बैठ के नहीं सीखा ना जो मैंने दो महीनों में मास्टर शेफ की किचन में सीख लिया तो मुझे अपने एलिमिनेशन पे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ उल्टा मुझे आ, मतलब यही लगा की अरेटोगली तो नहीं।, तो नहीं, uh, नहीं लगा था लेकिन फिर वही है यू आर एज गुड एज यूर लास्ट डिश तो आई थिंक मेरी उस लास्ट डिश में कुछ तो कमी रह गई जिसकी वजह से मैं एलिमिनेट हुई अभी जो कंटेस्टेंट बचे हैं

वही डिसाइड करेगा कि कौन विनर बनेगा एंड आई जस्ट विश की देशन विंस डिप्लोमेटिक आंसर अच्छा अपनी डिश के अलावा किसी और कंटेस्टेंट की डिश सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो आपको मतलब ओवरऑल दिस पूरी जर्नी में तो सारे जो होम कुक्स हैं वो अपनी बेस्ट डिशेस बनाने की कोशिश करते हैं नो डाउट सिंस आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन तो मुझे नॉन वेज डिशेज जो हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ साइट हो जाती हैं मुझे समझ में नहीं आता है कि उसमें क्या टेक्निक यूज हुई है वो कैसा बनाया है खाली सिर्फ मैं एक प्रोसेस समझ पाती हूँ लेकिन व्हाट इज़ द टेस्ट बिहाइंड और क्या उसमें रहा होगा वो चीज़ें मेरे लिए एनालाइज़ करनी मुश्किल होती हैं डेज़र्ट्स भी मेरा जॉनर नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सेवरी पर्सन हूँ तो मैं डेज़र्ट वाले जो लोग हैं उन्हें भी कही कहीं ना कहीं खुश होती रहती हूँ उनकी सुंदर सुंदर डिशेस देख के कि आज ये डेज़र्ट बनी आज वो डेज़र्ट बनी है आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं और <laughs> Again अ वेरी diplomatic आंसर वेरी वेल नाइस थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत बहुत कुछ सिखा के भेजा सोनी वालों ने <laughs> रहा है मुझे वेरी नाइस nice. मैंने सुना है आप गाते भी हैं <laughs> नहीं किससे सुन लिया आपने ऐसा गाती थी मैं मैंने सुना है आपने इसकी म्यूजिक की क्लासेस ली है हाँ मैंने थोड़े समय म्यूजिक की क्लासेस ली किससे ली थी? थी आ, मैंने श्री आरडी शर्मा जी से म्यूजिक की क्लासेस ली थी अच्छा आपने सोलन में ही हाँ आपने सोलन में लेकिन मैं बहुत ज्यादा देर तक उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई आ, मैं वहाँ पे जो हारमोनियम बजाना सीख रही थी उस वक़्त की मैं कुछ मतलब कलाकार वाली लाइन में भी जाना चाहती थी तो ऐसा नहीं है कि एक फूड को ही मैं लेकर चल रही थी मेरे बहुत मल्टीपल शौक है मुझे ट्रैवल करना पसंद है गाना गाना पसंद है और कुकिंग करना तो ऑब्वियसली पसंद है देखो आपने बोल दिया गाना गाना पसंद है तो हमारी नहीं, मतलब ऑडियंस को कुछ गा के सुनाना पड़ेगा मतलब ऐसा नहीं गाना में हारमोनियम कैसे बजाऊंगी बताओ हारमोनियम नहीं बजाना है भाई गाना मैं नहीं गाती थी गाना मैं नहीं गाती थी सीरियसली ऑनेस्टली बोल रही हूँ बट गाना सच में नहीं गाती थी शौक था मुझे लेकिन मैं नहीं सीख पाई उस चीज को तो क्या आप दो लाइनें गुनगुना पाएंगे मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए वैसे आज गला जो है प्लीज आप ही गा लो शुरू हो जाइए आप हम बंद कर लेते यारंकजा दो माह मेरी शिमले दिरा चंबा कितनी की दूर आ गया था शिमले ने बसना कसौली नी बसना चंबे जाना जरूर है नी मेरी चंबा कितने की दूर जोरदार तालियां भाई जोरदार तालियां क्या बात है क्या? <laughs> बहुत अंडररेटेड हो आप अपने, अपने आप को ना आपने बहुत अंडररेटेड रखा कि मैं मैं गाती नहीं हूँ <laughs> <बहुत... laughs> शौक है मुझे बट आई रियली नेवर सिंग वो अपने भी गुरुजी हैं जिनका आपने नाम लिया तो जाओ थोड़ा टाइम निकालो फिर से हमें शेफ बनूं कि मैं सिंगर बनूं कि क्या बनूं मैं क्या क्या बनूं मैं वाओ वेरी नाइस सो लास्ट में नूर्स हॉट पॉट क्या इसका भविष्य है नूर्स हॉट पॉट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि हिमाचली तो सब कुछ मिलने वाला है आने वाले टाइम में जिन लोगों को लगता है कि हिमाचली फूड थोड़ा कहीं किसी को समझ में नहीं आता है वो नूर्ज़ हॉटपॉट पे ज़रूर आएँ और वो देखेंगे कि हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं हज़ारों रेसिपीज़ हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी खाई नहीं होंगी ट्राई नहीं की होंगी तो नूर्ज़ हॉटपॉट पर वो आपको सबको मिलेंगी और यहाँ हम स्पेशल रिक्वेस्ट पर जब भी हमें कोई डी करता है कि आप ये रेसिपी बनाओ इस क्षेत्र की है यहाँ की है तो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं वहाँ के लोगों से पूछते हैं और उस रेसिपी को सबके लिए रिक्रिएट भी करते हैं और मेरा जो ख़ास लगाव हमारे इंडियन फूड को एज़ होल देखने का है कि नहीं वाई वेस्टर्न एंड लेट्स डू इंडियन तो उन्हीं चीज़ों पे भी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ तो शायद हो सकता है कि इस दायरे को हिमाचल से लेके ऑल ओवर इंडिया तक मेरा बढ़ाने का ज़रूर एक सपना है कि चैनल पे हर व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए hmm. और वो जब भी मेरे चैनल पे आए तो वो खाली हाथ ना जाए कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर ट्राई करे और उसे बनाए मुझसे फीडबैक शेयर करे तो ये रेस्टोरेंट की चेन का भी आप प्लान कर रहे हो कैफ़ेज़ uh, का प्लान है लेटर ऑन लेकिन अभी तो इट हैज सम टाइम टू गो बट डेफिनेटली एक आउटलुक है एक बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस माइंड में एक ड्रीम वो भी चल रहा है कि क्या करेंगे फूड के साथ जब तक वो सपना करीब नहीं आता है तब तक जो है डेफिनेटली नूर हॉटपॉट को यूट्यूब पे और बाकी भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है उस पे लाने की पूरी कोशिश जारी है साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू करेंगे कि रीजनल फ़ूड जो छुप चुका है हिमाचल की जो लॉस्ट रेसिपीज़ हैं जिन्हें हम नहीं जानते आप नहीं जानते हैं आप नूर हॉटपॉट पे उन सारी चीज़ों को मुझे मेंशन करो और डेफिनेटली हम उनको रिक्रिएट करेंगे सिर्फ आपके लिए

Uh, मैं अपने फैंस को बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया मास्टर शेफ़ की किचन में तो दिया ही दिया लेकिन अब मास्टर शेफ़ की किचन के बाहर आपको हर जगह मैं दिखाई दूंग, दूंगी दिखाई दूँगी और अब आप देखेंगे कि हम सोशल मीडिया पे इतने अच्छे से अपने इंडियन फूड को सेलिब्रेट करने वाले हैं कि आपके फ़ीडबैक्स और आपकी ऑनेस्टी से जो भी आप मुझे कुछ लिख कर देंगे उसको ज़रूर हम एम्प्लाई करेंगे और हम मिल के साथ में ढेर सारा खाना बनाएंगे लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अपनी इस कलिनरी जर्नी को मिशेलिन स्टार दिलाएंगे। वाह थैंक यू सो मच निधि आप यहाँ आए और आपने हमें हमारे ऊपर ट्रस्ट किया कि आप अपनी जर्नी सबसे पहले हमारे साथ शेयर कर रहे हो मास्टर शेफ की उसके लिए दिल से थैंक यू एंड दिल से थैंक यू अगेन हिमाचली क्वजीन को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए आ, आपका भी बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आई एम ट्रूली ऑनर्ड कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया मेरा ट्रस्ट तो बाद में आता है पहले आपने मुझे काबिल समझा कि मैं यहाँ आ पाऊँ हिमाचली पॉडकास्ट में ऑल गुड विशेज़ टू यू टू और डेफिनेटली हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे टाइम टू टाइम हमें वो गच्चक खानी है बाय द वे <laughs> पक्का मैं पैक करके लाने वाली हूं अगली बार आपके लिए <laughs> पैक करके लाओगे तो फिर वो कहीं वो बस वो नहीं नहीं कुछ नहीं होएगा वैसे ही आवाज आएगी उसमें से वैसे आएगी हां हां चलिए थैंक यू सो मच ठीक है थैंक यू द इमेजिनरी पॉडकास्ट